फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरलाइन से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइन आने वाले समय में भारत के लिए रिपैट्रिएशन फ्लाइटें शुरू करने जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रिपैट्रिएशन फ्लाइटें 12, 14 और 16 जून को मुंबई से फ्रैंकफर्ट के लिए रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली से म्यूनिख के लिए 18, 20 और 23 जून को रहेगी। यहाँ पर लुफ्थांसा एयरलाइन ने भारत सरकार से ये परमिशन मांगा है कि वह ये रिपैट्रिएशन फ्लाइटें ऑपरेट करने दे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार से अभी विदेशों से कोई भी पैसेंजर्स को भारत में आने की परमिशन नहीं है, सिवाय एयर इंडिया के। यहाँ पर लुफ्थांसा का ये कहना है कि वह अपने फ्लाइटों को भारत में खाली ही लेकर आएगी और भारत से यूरोप के लोगों को, जो कि लॉकडाउन के कारण फंस चुके हैं, उनको लेकर जाएगी। अभी तक ये डेट सामने आई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार लुफ्थांसा को ये परमिशन दे देती है कि वह यूरोप से भी पैसेंजर्स को ला सकती है, तो यहाँ पर लोगों को बहुत मदद मिल पाएगी। एक तो उनका किराया कम हो पाएगा और दूसरा, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वह सभी लोग आसानी से भारत आ सकेंगे। यहाँ पर लुफ्थांसा एयरलाइन यदि एक साइड से फ्लाइट ऑपरेट करेगी तो वह दूसरी साइड का किराया भी अवश्य ही कस्टमर से चार्ज करेगी, जिससे कि जाने वाले कस्टमर का किराया डबल हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ भारत सरकार भारत में किसी भी एयरलाइंस को परमिशन नहीं दे रही है, सिवाय एयर इंडिया के। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर सरकार जानबूझकर मोनोपोली क्रिएट कर रही है एयर इंडिया के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं एयरलाइंस की अगली खबर पर। यहाँ पर एमिरात से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमिरात एयरलाइंस एविएशन सेक्टर के इतिहास में पहली बार सबसे बड़े लेवल पर लोगों को जॉब से निकालने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर ये पता चला है कि अमीरात यहां पर 600 पायलट्स को जॉब से निकाल सकती है, जिसमें कि कुछ भारतीय भी शामिल हैं। अगली खबर आ रही है आईटा से। आपको बताना चाहेंगे कि आईटा से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि एविएशन सेक्टर को साल 2020 में 80 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है, जो कि इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लॉस माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी एयरलाइंस की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एयरलाइंस की लेटेस्ट खबरें आपके लिए लेकर आते रहते हैं।